शमशेरा और उसके बेटे को जो एक साथ दिखा दिया गया ट्रेलर के लास्ट में, वो बहुत गंदा वाला काम किया इन्होंने। रणबीर कपूर इज बैक विथ हर मास्टरपीस, जिसमें इनका डुअल रोल होने वाला है, एक उनका पिता जो कि शमशेरा है और दूसरा जिनका नाम मुझे नहीं समझ में आया। ट्रेलर देख के एक बहुत बढ़िया फील आ रही है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो प्रीमाइज है, जो सिनेमेटोग्राफी, वो बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। और जो लुक है स्पेशली रणबीर कपूर का शमशेरा वाला, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। हाँ, संजय दत्त का लुक भी बहुत अच्छा है, एकदम मुंह चूछ है, पीछे चोटी है, वो एकदम जो धांस एकदम विलेन टाइप का जो लुक होता है वो लग रहा होता है। जिस तरह से वो बोलते हैं अंग्रेज को, वो ही बहुत कैड़ा लगता है। मैं लिटरली रिएक्शन वीडियो में हंस पड़ा था वो सुन के, लेकिन यूट्यूब वालों ने रिएक्शन वीडियो ब्लॉक कर दिया मेरा। चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। इस मूवी कहानी देश की आजादी को लेके दिखाई जाएगी, 1861 की 71 की कहानी टाइप दिखाई जाएगी, जहां पे बाप जो कि शमशेरा देश के लिए लड़ा, देश को आजाद कराने के लिए लड़ा, लेकिन कुछ होगा और वो अंडरग्राउंड चला जाएगा या तो छुप जाएगा, ताकि एक बड़े युद्ध के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। और उसके बीच में जब वो अपने बेटे के साथ नहीं होगा, उसका बेटा डकैत बन जाएगा, मतलब अपना पेट पालने के लिए वो डकैती करेगा, और वो एक शमशेरा वाला रूप लेके, ताकि लोग में डर बना रहे शमशेरा का। लेकिन उसे नहीं पता रहता है उसके पिता जिंदा है, उसने सिर्फ उसकी कहानी सुनी रहेगी। लेकिन इंटरवल आते आते उसको अपने पिता दिखेंगे, वो अपने पिता के प्रति जिस तरह से वो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली संजय दत्त भी अंग्रेज के साथ में, संजय दत्त को भी हराएंगे ये लोग। और मेरा गिल्ट बोल रहा है कि संजय दत्त शमशेरा के साथ होंगे लेकिन उसे धोखा दे देंगे, अभी कुछ ना कुछ कांड दोनों के बीच में कोई संपर्क जरूर होगा, एकदम अटैचमेंट गहरा वाला जरूर होगा, तभी उनका रोल इतना अच्छा दिखाया गया संजय दत्त का। तो उन्हें सिर्फ हल्का सा ग्लिम्प देके, अगर उनसे कोई अटैचमेंट ना होता तो। ट्रेलर जब स्टार्ट होता है वो आपको एक केजीएफ वाली फील देता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वो फील बिल्कुल से गायब हो जाती है। वो एक अपना यूनिवर्स है, आजादी को लेकर इसकी कहानी होने वाली है, तो वो केजीएफ वाला फील इसमें नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा था टीजर देख के और थोड़ा सा ट्रेलर का स्टार्टिंग, लेकिन उसका पूरी फील मर जाती है। मतलब इसमें जो जिस तरीके से दिखाया गया, इसका जो सिनेमेटोग्राफी वो डस्की टाइप का, हल्का सा डार्क और हल्का सा सैंडी टाइप का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जिस तरह से दो टोन है रणबीर कपूर का, वही बढ़िया, बाप और बेटे का दोनों का टोन अलग है और दोनों का मेंटेलिटी भी अलग है, जो कि ट्रेलर में देख के समझ में आता है और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दो एक ही एक्टर लेकिन दो अलग अलग टोन से जब बात कर रहे हो एक ही जगह, वो देखने में और फील बढ़ जाता है देखते वक्त। वाणी कपूर का रोल, वो गाने को छोड़ के या लव एंगल को छोड़ के और भी कुछ होना चाहिए, जो कि एक अच्छा रोल निभाए मूवी में, अगर सिर्फ इसी के लिए होंगी तो एक वेस्ट ऑफ कैरेक्टर है या फिर जो भी है। मतलब अगर सिर्फ उसी गाने के लिए, कुछ उनका बड़ा रोल नहीं हुआ, कुछ मतलब ऐसा जो कि प्रोवोक करे शमशेरा के बेटे को कि तू जा लड़, देश की सेवा कर, देश के लिए कुछ कर, उसके लिए थोड़ा प्रोवोक करे, या फिर वो किसी भी कारण से उसके देश की सेवा में लाने के लिए उनका हाथ होना चाहिए, ताकि देखने में मजा आए, लोगों को ऑडियंस को इंटरेक्शन और थोड़ा सा फील बने देखने टाइम, अटैचमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ मिला के एक चीज दिखाया जाए, फैमिली वाला चीज जोड़ दिया जाए, देश वाला चीज जोड़ दिया जाए, और उसमें बहुत फीमेल मेल दोनों कैरेक्टर को एक साथ, तो थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा बढ़ा देता है आपको पिक्चर के प्रति, कैरेक्टर्स के प्रति, कहानी के प्रति। देखो ट्रेलर वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन कमियां बहुत थी, जैसे कि शमशेरा और उसके बेटे को जो एक साथ दिखा दिया गया ट्रेलर के लास्ट में, वो बहुत गंदा वाला काम किया इन्होंने। लिटरली अगर वो लुक, मतलब वो जिस तरह देख के लग रहा था, वो या तो वो फाइनल बैटल के लिए जा रहे होंगे, या तो दोनों पहली बार मिले होंगे और वो अपनी कहानी बताएगा, मतलब पास्ट में कहानी बता रहा होगा वहीं पे खड़ा होके, तो वो जब जो सीन था उसको अगर डायरेक्ट हम लोग पिक्चर में देखते बड़े पर्दे, तो वो ज्यादा बेहतरीन रहता, ना कि ट्रेलर में दिखा के। माना कि समय कम है तो आप एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, दो कैरेक्टर है, दो ऐसे लुक है, लेकिन ये बेकार कर दिया आपने। मतलब बहुत लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं, तू नीट पिकिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, तो भाई जो सच है सच है, वो नहीं दिखाते तो ज्यादा हाइप होता, क्योंकि आप श्योर शॉट नहीं है कि वो दोनों कैरेक्टर दिखेंगे कि नहीं, उसका बाप जिंदा है कि नहीं, लेकिन अब तो कंफर्म है कि भाई बाप जिंदा है, और इसकी कहानी एंड में सैड भी हो सकती है और हैप्पियर भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सैडनेस पे ही जाएगी कहानी, क्योंकि देश को आजादी को लेकर, और देश उस टाइम तो आजाद हुआ है, उसके लगभग 100 साल बाद आजाद हुआ था, तो वहां पे थोड़ी सी मतलब जीतेंगे वहां पे, लेकिन उनके भी मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है शमशेरा और उनके बेटे की। लेकिन ये जो दोनों को एक साथ दिखा दिया वो मुझे बहुत गंदा लगा, वो नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे फील हो गया था जिस तरह दिखाया शुरू में कि डबल कैरेक्टर है, लेकिन मैं इसके लिए कंफर्म नहीं था कि वो उसका शमशेरा जिंदा होगा कि नहीं, लेकिन ट्रेलर में जिस तरह से दिखाया दोनों जिंदा हैं, वो बहुत गंदा मूव था। आपके क्या ओपिनियन है इसको लेके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ट्रेलर में 2-3 सीन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जब ट्रेन वाला जो सीन था, जो उसका विजुअल्स है, हाँ थोड़ा सा वो एग्जैग्रेटेड लग रहा है, लेकिन जो उसका विजुअल्स है बहुत अच्छा, वो मतलब लिटरली गूज़बम्प्स दे रहा है, वो मतलब सीन है मारते हैं अंग्रेज को लेकर, उसका सिर लड़ा देते हैं क्राउन में, मतलब वो बहुत बेहतरीन लगा। सबसे बेस्ट ट्रेलर का सीन मुझे वही लगा, और वो घोड़ा वाला जब उसको वो उसकी माँ वो कुल्हाड़ी टाइप का देती है, उसकी माँ या फिर जो औरत का आवाज है, मोस्ट प्रोबेबली शमशेरा की पत्नी होगी वो, जो उसको कुल्हाड़ी देती है और बोलती है तुम्हें शमशेरा का खून है, वो जो कुल्हाड़ी था वो भी एक अच्छा सीन था। उसको मूवी में देखने में ज्यादा बेटर गूज़बम्प्स आएंगे। और बैकग्राउंड स्कोर तो मैंने पहले बोला, इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे मूवी से एक्सपेक्टेशन है बस थग्स ऑफ हिंदुस्तान वाला हाल ना हो जाए मूवी का, या थग्स इसके लिए मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसा, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा, उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा इसका एलिवेटेड ट्रेलर, और ना ही जो भी बोल रहे होंगे KGF का कॉपी है या फिर KGF जैसा सिनेमेटोग्राफी है या कुछ भी है, भाई मुझे ऐसा नहीं लगा जला से।
थोड़ा सा देर के लिए लगा वो जो मुट्ठी उठी वाला सीन था, बाकी और कुछ भी वैसा नहीं लगा। इसका मतलब मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मैं एक्साइटेड हूँ और मैं 22 तारीख को ये मूवी जरूर देखने जाऊंगा। अगर आपको जानना है कि उस टाइम मूवी मुझे कैसी लगी और वो ओपिनियन मेरा क्या था, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा भी करेंगे, हम एक फिल्मी टॉक्स करते हैं, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो जियो का रिव्यू आज शाम तक या तो कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। और रिएक्शन अगर इसका मुझे खोलने दिया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पार्ट मैं आपको दिखाई दिया हूँ बेस्ट जहाँ पे मेरा रिएक्शन निकला। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मूवी से। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।